और आज की बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का आज बुलंदशहर में दौरा है। रैली को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज बुलंदशहर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शन के साथ ही अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का लोकार्पण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम मोदी की ये पहली रैली है। दरअसल पूर्वी यूपी के बाद अब पीएम मोदी की नज़र पश्चिमी यूपी पर है। पीएम मोदी ने 2014 में यानी 10 साल पहले भी अपने चुनाव की कैंपेनिंग की शुरुआत बुलंदशहर से ही की थी। आज होने वाली रैली के जरिए विपक्षी गठबंधन इंडिया को बीजेपी बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। रैली में पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और पीएम की बुलंदशहर की रैली क्यों है खास, इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि बीजेपी के लिए बुलंदशहर सौभाग्यशाली यानी कि लकी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद पीएम मोदी बुलंदशहर से ही एक बार फिर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को खासतौर पर याद किया जाएगा। कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके पीछे यूपी में पिछड़े वोट बैंक को साधने की सियासी मायने भी हैं। बताया जाता है कि 2014 में भी पीएम मोदी ने चुनाव अभियान की शुरुआत माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद बुलंदशहर से की थी। तब बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 में बीजेपी 14 में से 7 सीटें हार गई थी। पार्टी एक बार फिर पश्चिमी यूपी की सभी 14 सीटें जीतना चाहती है। पूर्वी यूपी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी साधने पहुंच रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ कन्नौज 4-लेन हाईवे भी शामिल है। और पीएम की रैली से पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा स्थल का मॉडल देखा। सीएम ने मंच के आसपास की तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता को सभा स्थल पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सभा स्थल पर व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सीएम योगी ने अधिकारियों से ये भी कहा कि मंडल में चल रहे विकास के कार्यों को जल्द ही गुणवत्ता के साथ पूरा करें। पीएम मोदी के बुलंदशहर दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम का बुलंदशहर आना गर्व की बात है। और जो भी दिशा निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, उस आधार पर हम सब लोग जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के निर्देश के अनुसार जो जो भी दिशा निर्देश मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का होगा उसे पूरा करेंगे। और एक बड़ी खबर है, फर्स्ट टाइम वोटर से आज पीएम करेंगे बात। 50 लाख युवाओं से पीएम आज संवाद करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आयोजित किया है कार्यक्रम। आज मतदाता दिवस है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नमो नव मतदाता सम्मेलन के तहत वोटर्स को संबोधित करेंगे। बीजेपी के युवा इकाई के इस कार्यक्रम के तहत देश के 50 लाख युवाओं से पीएम संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे सम्मेलन को वर्चुअल संबोधित करेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 2 स्थानों पर ये सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में हर विधानसभा से 18 से 25 वर्ष के 1000 नव मतदाता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। वो बीजेपी मुख्यालय में 11 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार साल 2011 में की थी। इसी वर्ष पहली बार 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। इस साल 2024 में भारत अपना 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहा है।
और इधर एक और बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पीएम का आज जयपुर दौरा होने वाला है। इमैनुअल मैक्रों के साथ पीएम मोदी करेंगे रोड शो। पीएम मोदी और मैक्रों कई कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर में रोड शो करेंगे और राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत को देखने जाएंगे। मोदी और मैक्रों गुरुवार को दोपहर 2 बजे जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद जयपुर के सांगानेरी गेट से हवा महल तक रोड शो करेंगे। पीएम मोदी दिन में 2:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से 3:15 पर आमेर फोर्ट पहुंचेंगे। शाम 5:30 पर जंतर मंतर पहुंचेंगे। फिर 6 बजे जंतर मंतर से यात्रा निकालेंगे। 6:15 पर हवा महल पहुंचेंगे। 7:15 पर रामबाग पैलेस जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान हवा महल पर चाय भी पियेंगे। पीएम मोदी के जयपुर दौरे से सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। सभी लोग, हमारी माताएं बहनें भी, युवा साथी भी, किसान बंधु भी अपने पारंपरिक वेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का और फ्रांस के राष्ट्रपति जी का अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों इस बार 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी हैं।